हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या चाल है? सब कुछ बढ़िया है? अरे बढ़िया, अभी घर आके ना मैं बिल्कुल ही थक गया हूँ। तो मैंने अभी एक मूवी देखी है मोहन राजा की। और ये मूवी देखने से पहले मैंने मोहन राजा जी के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी। ये ऑलमोस्ट एक उस तरीके के डायरेक्टर हैं जो कि बोला जाता है कि रीमेक एक्सपर्ट हैं, बहुत रीमेक होते हैं। और अब इन्होंने लूसीफर का रीमेक बनाया है जिसका नाम है गॉडफादर। तो ये कितना इंपैक्टफुल है बाय एन एक्सपर्ट, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। भाई देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आजकल एक फैशन हो गया है कि अगर आपकी कोई भी साउथ की फिल्म आती है तो उसको थम्सअप दे दो, बड़ा बोल दो, वहाँ के एक्टर्स को भगवान बना दो, और फिर उसके बाद बोलो कि यार इनके तो पैरों में ही लेट जाओ। तो वो भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो हिंदी सिनेमा है उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा परचम तो फैला नहीं रखे हैं जिसकी वजह से आप उनको कुछ भी क्रेडिट दोगे। इनफैक्ट तो अभी आदिपुरुष का भी जो हाल हो रहा है आप देख ही रहे हो। तो मैं ये बोलूँगा, ये मूवी देखते टाइम ना आपको ऐसा लगेगा कि मलयालम इंडस्ट्री के अंदर जब ये लूसीफर बनी थी तब आपको बहुत कम ऐसी मूवीज थी जिसके अंदर आपको इंटेंसिटी प्लस मसाला दिखता है मलयालम मूवीज के अंदर। अदरवाइज वो दृश्यम वाले जोन के अंदर रहते हैं। तो उनके पास एक मूवी थी इस तरीके की जो थोड़ी मसाला थी, वो मोहन राजा जी ने उठाई और उन्होंने बोला कि अगर मेरे को इसके अंदर मसाला डालना है और एक थोड़ा ऐसा रोल लेना है जो कि इंटेंसिफाइड भी हो और कभी बीच में एक्शन कराना हो तो भी हो, तो चिरंजीवी का नाम सामने आया होगा। फिर साथ ही साथ में ऐसा कौन सा कैरेक्टर लें जो कि थोड़ा विलेनस अनएक्सपेक्टेड तरीके का हो, तो सत्यदेव का नाम आ गया होगा। फिर कोई स्पेशल एंट्री करनी है पृथ्वीराज जैसे जो ओरिजिनल के अंदर था, तो सलमान खान का नाम आ गया होगा। फिर ऐसे ही नयनतारा का भी नाम यहाँ पर आ गया होगा। तो ये जो हुआ ना इस पूरी खिचड़ी के अंदर, वो ये हुआ कि जब आपके पास बहुत बड़ा एक्टर आ गया चिरंजीवी, ओके, जब आपके पास बचाने वाला वाला सुपरमैन के फॉर्म में आपके पास सलमान खान आ गया, तो बेचारा सत्यदेव एज विलन आपको बहुत ही छोटा लगने लग जाता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द मूवी अगेंस्ट दी सुपर स्टारडम ऑफ मेगा स्टार जैसे बोला जाता है चिरंजीवी को, और साथ ही साथ में सलमान को, सब छोटा लगने लग जाता है। और मूवी भी मेरे को लगता है कि इतनी ग्रिपिंग नहीं है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल देख रखी है, मुझे पता है कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ स्टोरी थी, जिस तरीके का उसके अंदर जहां राइटफुल प्लेस में एक्शन से ज्यादा डर बिठाना था वो यहां पर होता है। और इसको फिर पूरा ग्लैमराइज कर दिया गया है, जहां पर स्टोरी में बेसिकली एक सीएम की डेथ हो जाती है और उसके बाद दो जने नयनतारा और सत्यदेव, साथ ही साथ में मुरली शर्मा भी जो वर्मा बना हुआ है यहां पर, वो लग लेते हैं चेयर को लेने के लिए, और फिर बीच में आते हैं चिरंजीवी। और वो राइटफुली आते हैं, रॉन्गफुली आते हैं, क्या वो ग्रे शेड है कि वो व्हाइट शेड है वो आप खुद फिगर आउट करना। और अगर आपने ओरिजिनल देख रखी है मोहनलाल वाली मूवी तो आपको पता है कि वो कौन सा शेड है। तो यहाँ पर आपको चिरंजीवी उनका रोल ठीक ठाक दिखेगा, एंग्री दिखेगा, स्टाइलिश दिखेगा, लेस डायलॉग्स दिखेंगे, कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई डायलॉग भी कुछ खास नहीं है। तो उनके जो डायलॉग्स हैं बट ओके ओके से हैं, बहुत ही मैं तो बोलूंगा ऑर्डिनरी बचकाना टाइप डायलॉग्स हैं। जो चीज़ आपको इंप्रेसिव लगेगी, बेचारे सत्यदेव ने फिर भी ठीक ठाक एक्टिंग करने की कोशिश करी है, पूरी जगत ने ठीक ठाक एक्टिंग करने की कोशिश करी है, मुरली तो कभी डिसअपॉइंट करते ही नहीं है। सलमान खान की एंट्री बहुत से लोगों को जो सलमान खान के फैन है उनको ठीक लगेंगी, बट ये जो मूवी है ना इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टाइलाइज करने के चक्कर के अंदर जो ग्रेविटी है वो मेरे ख्याल से तो लूज हुई है दोस्तों। जो ओरिजिनल मलयालम मूवी के फैंस हैं शायद उनको ये मूवी ऐसा लगे कि थोड़ा सा तमाशा ज़्यादा क्रिएट कर दिया, और आई डोंट नो यूज दिस वर्ड बट इट इज मोर स्टाइल देन सब्सटेंस यार। मतलब वो जो इंटेंसिटी है वो लूज होती है। फिर एंड के तो जो फाइट सीन्स हैं वो बिल्कुल ही बचकाना है यार, मतलब बंदूकें उठाओ, इधर उधर मारते रहो, फिर का गाना कर दो। ये थोड़ी जबरदस्ती वाली फोर्सफुल मूवी मेरे को यहाँ पर लगी, और एक्टिंग के मामले के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, चिरंजीवी को भी फुली यूटिलाइज नहीं किया एक्चुअली में देखा जाए तो। जब आप देखोगे मूवी आपको पता चलेगा सत्यदेव ने ठीक ठाक एक्टिंग करी है। सलमान खान से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में जरूर तारीफ करनी होगी, कि जैसे ही वो बंदा आता है स्क्रीन के ऊपर, सीटी फायर प्रेजेंस योर आई बॉल्स एक्चुअली शिफ्ट्स टू हिम, विच एक्चुअली गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि जब टाइगर 3 आएगी और विद अ बेटर डायरेक्टर आएगी और विद अ बेटर स्टोरी लाइन आएगी और जिस फॉर्म एंड शेप में सलमान खान ठीक लगते हैं, नॉट दिस गिमिकी थिंग, उसके अंदर शायद पर्दा फटेगा और बहुत सारे लोग ओरिजिनल कहानी भी होगी और उस टाइम के ऊपर लोग काफी ज्यादा इसके ऊपर प्यार बरसाएंगे, ऐसा उम्मीद लगा सकते हो। बट ये मूवी मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग ही लगी। माय मूवी शूवी स्कोर फॉर दिस वन इज नॉट मोर देन 6 out of 10। अगर आप चिरंजीवी के फैन हैं तो फिर आपको उनका स्वैग और ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, लेकिन आप फिर भी अगर आप ट्रू फैन है ना, आप लोग यार इसको यूटिलाइज ढंग से नहीं किया है, जबरदस्ती के रजनीकांत वाले जो एक्शन हैं या सीक्वेंसेज हैं या फिर जो मैनरिज्म है, बॉडी लैंग्वेज है, वैसा लाने की क्या जरूरत है, और थोड़ा डायलॉग दे देते। जो आपकी ग्रेविटी है आंखों से तो आती है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ डायलॉग तो चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, वो आता नहीं है। और सलमान खान के डायलॉग्स भी मतलब बहुत बचकाने हैं, अगर मूवी देखोगे ना बहुत बचकाने हैं। बट एनीवेज, आपकी विषय अगर आपको देखनी है, अगर आपको लगता है आप तो सलमान खान के भी फैन है और चिरंजीवी के फैन है, आपको देखनी ही देखनी है, तो यार ओके, गो एंड सी इट। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अच्छा PS1 देख लो, वो इट्स अ गुड मूवी, और कंथारा देख लो, वो देख लो, वो मूवी भी काफी बेटर है इससे। हालांकि कंथारा के लास्ट सीन के अंदर जो कुछ भी होता है वो काफी लोग कनेक्ट करें या ना करें वो मैं आपकी चॉइस के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन 99% लोग उससे कनेक्ट करे थे। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स साथ। ये वाली जो मूवी है बहुत हैवी ड्यूटी है, अपने दिमाग में प्रेशर क्रिएट करती है, जो होता है ना फिल्म का स्वाद वो नहीं आता ना मास्क के एंगल से, ना गानों के एंगल से, ना डायलॉग्स के एंगल से। और खैर, अगर आपने लूसीफर देख रखे तो स्टोरी भी आपको पता ही है क्या है। और कहीं ना कहीं विवेक ओबरॉय की भी बात कर लेते हैं, विवेक ओबरॉय का रोल काफी ज्यादा गंभीर था, काफी वेरिएशन था उसके अंदर, वो काफी बढ़िया था। इनफैक्ट ये सबको काफी बुरा लग सकता है, पृथ्वीराज का रोल भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल लगा था, राइट डोज ऑफ
जो कहते हैं ना होना चाहिए था वो था। हालांकि सलमान खान हैज आउट परफॉर्म हिम इन टर्म्स ऑफ स्वैग, बट रोल के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से जो एक्चुअल नीड थी वो सिर्फ पृथ्वीराज का जो रोल था ना, स्मार्ट एंड डेयरिंग, उस तरीके के जोन में ज्यादा रखना चाहिए था। बाकी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। मेरे को तो ज्यादा अच्छी नहीं लगी है, मैं थोड़ा ऐसे जबरदस्ती की भक्ति नहीं कर सकता। बाय बाय।